Hello guys, now we'll learn about the position of the center of mass, how we decide the center of mass, where it will lie. तो अपन देखते हैं कि पहले मैंने एक हेवी मास है यहाँ पे m2 यहाँ पे रख दिया है और एक मास मैंने m1 यहाँ, जो इससे क्या है m2 है वो ग्रेटर देन m1 है, ठीक है। और मैं मान रहा हूँ कि इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन यहाँ कहीं लाई कर रहा है, ये ओरिजिन है, ये 0.0 पॉइंट है जो कि क्या है इसका ओरिजिन है। तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस हो गई आर टू, ये डिस्टेंस हो गई आर वन। अब मैं देखिए अगर इसका मोमेंट निकालता हूँ तो इसका मोमेंट क्या आएगा, ये मास परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम वन आर वन, ठीक है, और प्लस माइनस, अगर ये तो अगर मैं यहाँ पे कुछ फोर्स डालता हूँ तो ये कैसा मोमेंट करेगा क्लॉकवाइज, अगर मैं इधर पे कुछ फोर्स डालता हूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले देता हूँ, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, तो इसका मोमेंट क्या हो जाएगा एम टू आर टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए एम वन आर वन इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ एम टू आर टू इज इक्वल टू जीरो, सॉरी एम वन आर वन इक्वल टू एम टू आर टू, इसको मैं एम वन बाई एम टू इक्वल टू आर टू बाई आर वन लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब इससे मैं एक रिलेशन बना सकता हूँ एम प्रोपोर्शनल वन बाई आर, कि अपन जितना ज़्यादा मास को इंक्रीज करेंगे उतना ही ज़्यादा उसकी क्या डिस्टेंस कम होगी, मैं जितना ही ज़्यादा मास को कम करूँगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या डिस्टेंस इंक्रीज होगी। इसके बेस पे अपन देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, B.sc में दिया हुआ है, ये पेज नंबर 185 पे एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो उसमें क्या दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड के दो एटम है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, इसके दो एटम है कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी है वो इसने दे रखी है 1.12 एंगस्ट्रॉम, ये इसने डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। अब अपने को निकालना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, तो एक अपन बात देख लेते हैं कि ये ऑक्सीजन है, ये हमेशा क्या होगा इससे हैवी होगा, इसका वेट 16 होता है, इसका 12 होता है एटॉमिक नंबर, इसका जो भी बाहर होता है ये जो भी इसका मात्रक अपन सी को 12 से इसको 16 से, तो अपन ये तो जानते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास है कहीं यहीं इसके पास ही लाई कर रहा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा भारी है, अपन ने देखा है जो जितना भारी होता है उसका सेंटर ऑफ मास उसके पास ही लाई करता है, ठीक है। अब मैं देखो इसको मान लेता हूँ मैं ओरिजिन, सी को मान लेता हूँ मैं ओरिजिन, सी का मास मेरे को मान लो एम वन पता चल गया, इसका मास मेरे को एम टू पता चल गया, इसको मैंने माना ओरिजिन, तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस मैंने मान ली इसकी, इसकी ये डिस्टेंस है ये आर वन है, ठीक है। फिर इस ये ओरिजिन से ये टोटल डिस्टेंस क्या है आर टू है, जो कि अपने को दी गई है क्योंकि 1.12 एंगस्ट्रॉम दी गई है। अपन जानते हैं कि एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अपॉन में एम वन बाई एम वन प्लस एम टू, तो एम वन देखिए 12 है, 12 इंटू में, अब यहाँ पे ये ओरिजिन पे ये मैंने इसको ओरिजिन पे कंसिडर कर लिया तो ये क्या हो जाएगा 0.0, तो 12 इंटू 0, और फिर ये देखो इसका दूसरा मास क्या है एम टू 16 है, तो इसको मैंने 16 ले लिया, और कितने डिस्टेंस अपार्ट है ये 1.12 एंगस्ट्रॉम, तो ये 1.12 एंगस्ट्रॉम हो गया, ठीक है। टोटल मास कितना हो गया 12 और 16 कितना हो गया 20, और ये हो गया 26 28, इसका मास हो गया 28, तो ये हो गया 16 इंटू 1.12 एंगस्ट्रॉम और अपॉन में 28, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह पर इसका क्या निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई में ये देखो है नहीं तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके अपन इसका निकाल सकते हैं, और इसके आंसर अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये आएंगे 0.64 एंगस्ट्रॉम, ऐसे करके इसके आंसर अपने को मिल सकते हैं। बस ऐसे बेसिक सॉल्यूशन इसका करना है और बस इससे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए कि कुछ एक और एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर।